देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। उपमंडल सफीदों के गांव मुआना के लोगों का जीना हुआ दुश्वार। गांव का जोहड़ बना गंदगी का तालाब, पीने के पानी के साथ मिलकर जाती है गंदगी। गांव मुआना के रहने वाले कृष्ण राणा ने बताया कि पीने के पानी की डिग्गी, जिससे पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है, वह राम भरोसे चल रही है। जीवन में जीने के लिए पानी का अहम रोल होता है। अगर गांव के लोग देखभाल न करें तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। डिग्गी के पास जोहड़ है, वह गाँव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो पूरे गांव के लिए परेशानी का सबब है। इस बारे में सरपंच से भी कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन सरपंच के पास कोई जवाब नहीं। वह तो केवल एक मूक दर्शक है। सरपंच का अर्थ होता है पंचों का सरदार। जब पंच अपने एरिया की कोई समस्या लेकर जाए तो सरपंच का काम होता है उसे सॉल्व करना, लेकिन सरपंच तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरपंच कहते हैं कि मेरा 1-1.5 साल बचा है, मुझे चुपचाप टाइम पास कर लेने दो। गांव के सरपंच पर आरोप लगाते हुए कृष्ण राणा ने बताया कि गांव में बड़े बड़े बोर्ड तो लगवा दिए, लेकिन काम कोई नहीं किया। गांव में जो भी ग्रांट आता है, गांव के इस तरफ रहने वाले लोगों को यह नहीं पता कि वह जाता कहां है। गांव के इस एरिया में विकास को जबरदस्ती की मौत मार रखा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण राणा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, आप सब सामने देख ही रहे हो, आपके साथ कैमरा भी है, माइक भी है, सब कुछ देख रहे हो। हमारे यहाँ जो डिग्गी बनी हुई है पानी की, यह डिग्गी राम भरोसे चल रही है। अगर हमारा आदमी यहाँ नहीं हो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या ब्लॉक का कोई आदमी हो, तो भूखे प्यासे मरे यहाँ। क्यों? ज़रूरत सबसे पहले उठ दे किस चीज़ की है? पानी की। पानी तो सारा कुछ चलेगा। अब पानी की हालत यह है यहाँ पर, ये मेरे बाबा जी लगते हैं इस्पाल, ये अगर नहीं हो तो यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप कैमरा घुमाओ इसके ऊपर, ये जोड़ है, किसी ज़माने में जोड़ था लेकिन अभी गंद कर दिया, गंदगी का ढेर नहीं हो, पूरा गंदगी का ढेर, इसके अंदर से सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यही गैस निकल रही है, जो हर आदमी के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहुओं के लिए परेशानी का सबब है ना। आप थोड़ा भीतर जाओगे तो गाँव के अंदर ही इतना ही कचरा उस गाड़ में है। लोग बाग बोलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड भी लगा रखे हैं, हर गली में बोर्ड लगवा रखे हैं, मैंने अपने नाम का, आपने अपने नाम का, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं भाई। बोर्ड तो लगवा दिए लेकिन काम क्या कर रहा है? ग्रांट आता होगा इस ब्लॉक के नाम से, इस गांव के नाम से ग्रांट आता है ना, उस ग्रांट का पता नहीं लग रहा हमारे को, तो इस एरिए को, इस तरफ के एरिए को यही नहीं पता लग रहा वो ग्रांट है कहाँ, क्योंकि गांव के विकास के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो विकास तो मतलब ज़बरदस्ती की मौत मार रखी है इधर। अभी यहाँ आप देख ही रहे हो, सरपंच के पास गए थे, सरपंच के पास जाने से फ़ायदा क्या, उसके पास जवाब ही कुछ नहीं है। गए थे 2-3 बार, कह भी लिया उसको, वो तो एक मूक दर्शक बना हुआ है, सरपंच थोड़ा है वो। सरपंच तो सरपंच होता है, सरपंच का मतलब है पंचों का सरदार, और पंच जो प्रॉब्लम लेके आएंगे अपने अपने एरिए से, अपने अपने वार्ड से, तो उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई अच्छा कदम उठाएगा जिससे कि रिजल्ट अच्छा मिले। तो सरपंच का तो पता नहीं, जस्ट टाइम पास, वो तो अपना टाइम पास कर रहा है, 1-1.5 साल बचा है, बोला जी मैंने चुपचाप टाइम पास कर लेना, तो बाकी कुछ नहीं। उसने तो ये भी नहीं पता कि ग्रांट कितना आया, कितना खर्च हो गया, बैलेंस कितना है, किसके यहाँ गया, किस मजदूर को मिला, किस ठेकेदार को मिला। ठेकेदार पैसे लेने तक चक्कर काटता है, क्वालिटी कुछ नहीं। हमारे गांव में जितनी भी गली बनी थी पिछले साल, सारी गली बैठी हुई है, सारी बैठी हुई है, एक भी जाके आप देख लो, आप कैमरे में कैद कर लो उनको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कैमरे में आप कैद कर लो। अब ऐसा ही विकास होगा, विकास अपनी मौत मर रहा, तो 5-6 साल तो हो गए, सरकार को भी बने हुए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह, तो हालत ऐसी रहेगी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि भाई जनता अगले 2-3 महीने में अगर कुछ सोच रही है कि भाई हमारा लाइफस्टाइल कुछ सुधरे, हमारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ ऊपर उठे, तो सोच समझ के वोट देना चाहिए। वोट को खड्डे में मत डालो, जेरे में मत डालो, वोट को उस आदमी को दो जो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कुछ करने की मादा रखता हो, कुछ करने की हिम्मत, कोई सोच विचार रखता हो, इच्छा शक्ति रखती हो। यहाँ तो 5-7 साल से कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तो विकास कहाँ से होगा? यही है, बाकी तो आप सब जानते हो, मेरे मुंह से कहलवाने की ज़रूरत क्या है कि सामने ये सब कुछ।
इस समस्या से पूरे गांव में बीमारियां फैलने का खतरा है। गांव वालों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। भाई साहब, समस्या सारी है, गंदगी फैली हुई है, गंदे नाले का पानी पार नहीं होता, सारा इसमें जमा होता है, बरसात का पानी सारा गांव का इसी में जमा होता है जी। ये जोड़ फूल भर के गर्म पानी पड़ जाता है, इसकी कोई निकासी नहीं आगे, आगे कोई निकासी नहीं है। बच्चे बीमार होते हैं, डेंगू वगैरह अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। कितने दिन हो गए तालाब सफाई हुए? हमारे को 20 साल से पहले, 20 साल से ज्यादा ही हो गए इस सफाई हो इसका। क्या आप सरपंच के पास गए? सरपंच के पास गए, प्रशासन में भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे भाई साहब। प्रशासन ने क्या क्या कह रहे? सरपंच के पास जाओ, सरपंच कह रहा करेंगे, कुछ नहीं होता जी। हाँ, बहुत बीमारियों प्रॉब्लम तो घनी है भाई। ये हमारे पेड़ का पानी है, इसमें भी गंदगी बढ़ रही है, गर्म पानी जाओ भी गंदा पानी जाओ बिल्कुल है, और मच्छर सांप तो बहुत ज़्यादा है। निकासी का कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम है निकासी की, तो निकासी तो है ही कौन कहीं पर भी इसकी। बस अब सांप बड़े बड़े बढ़ते घर इस जोड़ में, घने सांप मार लिए, 5-10 सांप मार लिए कम से कम पहला, देख ले इतनी गंदगी फैल रही है इसके अंदर। कोई नहीं सुनाई करता, कोई नहीं, कोई नहीं सुनाई करता हमारी, कोई नहीं सुनाई करता, सर कुछ भी ऐसे ही है। राम राम भाई। क्या नाम आपका? रामदारी। रामदारी जी, जो ये प्रॉब्लम बताई जा रही है, इतनी बड़ी समस्या है गांव की। अब कोई मिटियान आला तो कोई नहीं, ऊपर सरकारी से मिटिया हुआ कड़ी दया, कोई मिटियान आला बाहर से ज्यादा पानी खाद लागी छोटा का भाई नेम देखो, वहाँ पानी में खाद लागी दर्द पानी में, कोई पानी पीने का नहीं, कोई डांगर पशु का नहीं है। हैं मारा देखिए क्या हाल हो रहा है, सांप लिकड़ लिकड़ के अगर हम बड़े हैं, बाल कूंड रहे हैं, गंदगी इतनी खिंडिया रखी, कोई ठीक नहीं है, पानी की सेवा नहीं, क्या ही नहीं है हमारे पास। यह देख सांप लिकड़ है, और पानी का राम पानी बड़ा है, कल भी इतना पानी था घर में, बरसात हुई थी, गंदगी ज्यादा। सरपंच के पास गए? सरपंच दौरे भी गए थे, वो भी नहीं कुछ करता। अच्छा, क्या जवाब दिया सरपंच ने? कोई सुनाई को नहीं करता, कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम तो लिकड़न बढ़न परेशान है जी, बहुत गणे हुए को। अच्छा, कुछ भी साधन डांगर लेकर आओ भी पानी में को, राम ने पानी में कोई चालना पड़ा है जी, और कुछ भी राखो नहीं, देखिए के हाल बुग्गी जोटा बाढ़ कुछ भी आओ सारे इसके मैं पड़े हैं जी, जोड़ में यहाँ बीमारियों का खतरा फैल रहा है, सारा ही फैल रहा है बीमारी का, सारे सब छोटे छोटे बच्चे आओ चिक्कड़ में जाओ सारे घुमड़ी फुंसी सारा बुरा हाल हो रहा है। कुछ भी जी, हाँ ये गार्ड बना दो जी, देखिए जी बारिश होती है जी, यहाँ को कहाँ निकलेंगे जी। हाँ सरपंच क्या कह रहे हैं? सरपंच तो कुछ निकाल रहा जी, कभी आया सरपंच इधर? आया था जी एक बारी आया। हाँ कोई समस्या कुछ नहीं हुई? नहीं जी। प्रॉब्लम यह है भाई, यह गली है यहाँ को, और इस गली ने बना रहा सरपंच भी तो। हाँ सरपंच तो बार बार कहे हमने, और दो लड़के गुजर चुके हैं भाई यहाँ पर, अगर यहाँ मुसलमानों की यहाँ को गली थी, उस गली को भी हमारे जो समाज के आदमी हैं उन्होंने यहाँ को गली दे दी है, हमारे पांचाल समाज के आदमी हैं जो उन्होंने यहाँ को गली दे दी है। और सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच ये बोल रहा है कि भाई यहाँ को माटी करवाओ और तब तुम्हारी गाड़ बनेगी, 4-5 लाख की माटी गिरी यार, कौन माटी करवाओगा यहाँ, क्या करेंगे हम गरीब लोग। दो लड़के गुजर चुके हैं हमारे 2 साल के अंदर, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी, सरपंच नहीं करी, कोई और नहीं करी कार्रवाई। पहले उनको, पहले मुसलमानों को यहाँ को गली दे दी गई, यहाँ पर उनकी छूत नहीं आई तो ऊपर गली दे दी गई, जहाँ पर कोई गली गुली नहीं है वैसे दे दी गई उनको। सरपंच के बाद तीन चार बार गए हम, ये बोल लिया कि भी आपको मट्टी करवा दो और तुमको गाड़ दे देंगे। गांव वालों की समस्या सुनने के बाद जब हमारी टीम ने सरपंच के घर जाकर उनसे बातचीत करनी चाही तो सरपंच ने बताया कि गांव की गली नालियों का सारा पानी तालाबों में जाता है और इसके अलावा हमारे पास कोई समाधान नहीं। गांव का पानी निकालने के लिए गांव में सीवरेज की व्यवस्था जल्द ही शुरू होने वाली है। गांव की खलासी के पास पंचायत ने 2 एकड़ जमीन सरकार को दी है, जिसमें 2 टैंक बनाए जाएंगे, जिससे गांव के पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। देखो ये गांव का जो पानी निकलता है नहीं बाहर गलियों का, वो तकरीबन तालाब गांव के चारों तरफ है और उन्हीं में जाता है, तो इसलिए और कोई पानी का अब तक बड़ा रास्ता हमारे पास नहीं बना हुआ है। और अब इस साल हमारे गांव में सीवरेज का जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि इसका टेंडर छूटने वाला है, और इससे गांव का जो गंदा पानी है उसके लिए हमने 2 एकड़ ज़मीन खलासी के पास दी है, जिसमें टैंक बनेगा और उस टैंक में, एक टैंक में पानी साफ होकर दूसरे टैंक में जाएगा, तो इसके बाद गांव का गंदे पानी का समाधान हो जाएगा। और अभी तो यह गांव का पानी जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये वाटर सप्लाई वालों का काम है जी।
बाकी इसकी चार दीवारी भी पता लगे थोड़ी सी टूटी हुई है। उसके लिए मैंने ठेकेदार से कहा कि थोड़ी सी हवा 10 फुट की है, मैं पंचायत की तरफ से बना जाऊँ। वैसे ये काम जो है वाटर सप्लाई वालों का काम है, लेकिन फिर भी मैं इस समस्या को देखते हुए कि पशुआ वगैरह वहाँ पर जाते हैं, इसलिए मैं पंचायत की तरफ से उसको पूर्ण करवाने की जल्दी सोच रहा हूँ। एक वहाँ पे जो लोग गोबर गिर गया वो गली पे आ रहा है बिल्कुल सारा खिलाफ गिर जाए। कई बार हमने उसकी सफाई भी करवाई है जी, अपनी पंचायत की तरफ से सफाई करवाई है, लेकिन लोग जिनके वहाँ पर मकान लगते हैं फिर दोबारा दोबारा कई बार डाल देते हैं, उनको कई बार नोटिस भी दिए गए हैं, कया भी गया उनको, वहाँ जाते हैं हम। और कुछ लोगों के वहाँ पर असल में गड्ढे कटे हुए हैं साथ के साथ, मतलब सड़क के साथ साथ गड्ढे कटे हुए हैं गोबर के उनके, तो वो ये कहते हैं कि हमारे गड्ढे जो हैं वो हम तो, क्योंकि गांव के चारों तरफ सड़क के पास पास गड्ढे कटे हुए हैं सारे गाँव में वहाँ गोबर, तो हमने इसकी शिकायत की तो डॉक्टरों की टीम आई थी, तो डॉक्टरों की टीम ने भी देखा यूँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे गड्ढे कटे हुए हैं और ये सिर्फ गोबर के लिए कटे हुए हैं, इसलिए हम इसमें डर लें। कैमरामैन जोगिंद्र बाबा के साथ धर्मवीर पाल की रिपोर्ट, कंचन टीवी सफीदों।